हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं, मैथ चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में यहाँ सवाल बोर्ड पर लिखा गया है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग इसका कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 3 पॉइंट है ना, 35.7 माइनस 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। आइए गाइस सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। 35.7 तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए, जो है वही यहाँ लिख दीजिए माइनस। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे, 3 प्लस 1 बटे। लेकिन सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। 3 प्लस 1 बाई 3 कितना होगा? 3 * 9 = 10/3 है। 3 + 1/3 आप कीजिएगा कितना आएगा? 10/3। ऐसे भी आप एलसीएम लीजिएगा या डायरेक्ट इस तरह के जोड़ को डायरेक्ट कर दीजिए, या 3 + 1 = 3 * 9 = 10/3 डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जोड़कर भी आप फ्रैक्शन से कीजिएगा तो वही आएगा माइनस 2 + 1 बटे। इसको भी 2 * 4 = 5/2 कर दीजिए सीधा, हो गया। अब तो आसान थोड़ा सा लग रहा है, अब देखिए इजी वे कैसे बनेगा। ये हो गया 35.7 माइनस ये होगा 3 प्लस। यहाँ 1 / 10/3 है, इसको आप जैसे सॉल्व कीजिएगा 1 / 10/3, तो ये क्या होगा? 1/1 * 3/10 = 3/10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10/3 को 3/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से माइनस 2 + 1/5/2, वही चीज़ है 1/5/2। इसको आप लिख सकते हैं 1/1 * 2/5, ये हो जाएगा 2/5। तो हमने इसको लिख दिया 2/5, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ होगा 35.7 माइनस 3 + 3/10। आपको इजी वे में करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 3/10 को 3 को जब 10 से भाग देंगे, ये क्या होगा? 0.3 हो जाएगा। देखिए ये 3 को 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 0.0, 10 * 3 = 30, ये कैंसिल हो गया 0.3, ये क्या हो गया? 0.3। ठीक है, माइनस 2 + 2/5 है गाइस, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0.0 है ना, 5 * 4 = 20, ये कैंसिल, कितना हो गया? 0.4, तो ये हो गया 0.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 35.7 माइनस ये कितना हो गया? इसको अब तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ये हो जाएगा 3.3 माइनस ये हो जाएगा 2.4, 2 + 0.4 = 2.4, और यहाँ 3 + 0.3 = 3.3। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 35.7, ये पॉजिटिव है, धन में है, और ये दोनों ऋण में है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, इसको एक साथ ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 * 3 = 7 और 3 * 2 = 5, ये क्या हो गया? 5.7। हमने इसको और इसको सॉल्व किया, और 35.7 माइनस 5.7 ये क्या हो गया? 30.00। यही क्या हो गया मित्र? यही हमारे सवाल का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, आसान तरीका है। ये 35.7, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिए 3 + 1/3 को और 2 + 1/2 को, इस दोनों को हमने सॉल्व किया, ये 3 * 3 = 10/3 हो गया यहाँ पर, ये 10/3, और इसको सॉल्व किया 5/2। अब इस दोनों को 10/3 को और 5/2 को अगला स्टेप में इन दोनों को सॉल्व किया, 3 ऊपर 10 नीचे हो गया, यहाँ देखिए 3/10, और यहाँ 2 ऊपर 5 नीचे 2/5 हो गया। अब क्या अगला स्टेप में छोटे ब्रैकेट काम करेंगे, ये 3/10 को 0.3 बदल दिए, 2/5 को 0.4 में डेसिमल में चेंज कर दिए। अब 35.7 माइनस यहाँ भी देखिए 3 + 0.3 = 3.3, और फिर 2 + 0.4 = 2.4, इस दोनों को फिर अगले क्रम में, ये निगेटिव है, दोनों को एक साथ कर दिया, ये आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव का साइन छुपा हुआ रहता है, जानते ही आप लोग, तो ये पॉजिटिव रहा। यहाँ इसको सॉल्व किया 5.7, 35.7 माइनस 5.7 30 आया आंसर, और यही क्या हो गया हमारे सवाल का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।